हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल टेक द क्लास ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट टू एंड टूडेज टॉपिक इज प्लास्टर कास्ट तुम लोग तुम लोग को सबको पता है कोई भी फ्रैक्चर होता है कोई भी बोन में तो क्या करता है प्लास्टर करता है तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे ठीक है द ए कास्ट इज़ ए डिवाइस यूज फॉर इमोबिलाइजेशन तो कास्ट जो है वो एक डिवाइस है जो मेनली फ्रैक्चर पार्ट और बॉडी पार्ट जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है बोन का इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है कास्ट इज अ रिजिड डिवाइस अप्लाई टू इमोबिलाइज द इंज्योर बोन्स टू प्रोमोट हीलिंग तो कास्ट हम लोग अप्लाई करेंगे उसकी वजह से क्या होगा बोन में इमोबिलाइजेशन होगा और पार्ट जो है जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है फ्रैक्चर हुआ है उसका इमोबिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से वहाँ पे बोन का हीलिंग प्रोमोट होगा द कास्ट इमोबिलाइज द जॉइंट एब बिलो द फ्रैक्चर बोन तो कास्ट जो है वो क्या करता है फ्रैक्चर बोन का अपर पोर्शन और बोअर पोर्शन जो है एबअब और बिलो जहां पर फ्रैक्चर हुआ है उसका एब पोर्शन और बिलो पोर्शन में इमोबिलाईजेशन करता है द फ्रैक्चर इज रिड्यूस्ड मैनुअली एंड देन कास्ट इज मोल्डेड टू द कॉन्टोर्स ऑफ द बॉडी तो फर्स्ट क्या करना है मैनुअली क्या करना है फ्रैक्चर पार्ट को आ, वो करना है. इमोबिलाइज करना है उसके बाद वहाँ पे क्या करना है प्लास्टर जो है वो अप्लाई करना है नेक्स्ट द कास्ट होल्ड से ब्रोकन बोन इन प्लेस एज इट हील्स तो कास्ट क्या करता है ब्रोकन बोन जो है उसको उसका प्लेस में होल्ड करके रखता है कास्ट इमोबिलाइज द जॉइंट एब एंड द जॉइंट बिलो द एरिया दैट इज टू बी केप्ड स्ट्रेट एंड विदाउट मोशन तो कास्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं जहाँ पे जो जॉइन में फ्रैक्चर हुआ है और जो जॉइंट एफेक्टेड हुआ है वो जॉइंट का एवर पोर्शन और बिलो पोर्शन को इमोबिलाइज करके रखता है जिसके वजह से वो जॉइंट जो है वो स्ट्रेट रहता है और कोई भी मोशन नहीं कर पाता है जिसकी वजह से वहाँ पर बोन का हीलिंग्स जल्दी जल्दी होता है ओके नेक्स्ट कास्ट आर यूज फॉर सीवरल पर्पज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर्स एंड होल्ड बोन फ्रैगमेंट्स इन रिडक्शन प्लेसमेंट फॉर हीलिंग तो फर्स्ट तो क्या है इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर के लिए यूज़ करते हैं और जो बोन का फ्रैगमेंट हो, हो गया है फ्रैक्चर की वजह से उसको प्रॉपर हीलिंग uh, के लिए और प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए ये यूज़ होता है टू प्रिवेंट मूवमेंट इन सॉफ्ट टिशू इंजरीज मेनली सॉफ्ट टिशू इंजुरी फर्दर नहीं हो इसके लिए पास्टर क्लास हम लोग अप्लाई uh, करते हैं जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा उसमें फर्दर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नार्व और ब्लड वेसल डैमेज नहीं हो पाएगा टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड कारिक डिफॉर्मिटीज़ तो बॉडी का जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट और कारिक डिफॉर्मिटी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम लोग प्लास्टर कास्ट अप्लाई करते हैं टू परमिट अर्ली मोबिलाइजेशन जिसकी वजह से प्लास्टर कास्ट अप्लाई होने से उनका हीलिंग स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट uh, जल्दी जल्दी चल सकता है Uh, जब वो प्लास्टर कस्ट यूज खुल दिया जाएगा उसके बाद उसका अर्ली मोबिलाइजेशन कर सकते हैं टू प्रिवेंट और डिक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन uh, um, प्लास्टर क्लस्ट करने से क्या होता है टू uh, प्रिवेंट और डिक्रीज द मसल कॉन्ट्रैक्शन तो का कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं तो दोज आर द मोस्ट कॉमन पर्पसेस फॉर यूजिंग द प्लास्टर कास्ट ओके okay, तो हम लोग को अभी जानना है प्लास्टर कास्ट में क्या क्या मटेरियल्स रहता है तो कास्ट मटेरियल्स कास्ट मटेरियल्स इंक्लूड प्लास्टर ऑफ पेरिस फाइबर ग्लास एंड प्लास्टिक मेली थ्री पार्ट्स रहता है एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सब लोगों को पता है क्या है फाइबर ग्लास एंड प्लास्टिक ऑल कम्स इन रोल दैट कैन बी अप्लाइड इन ए मैनर सिमिलर टू यूज ए एस बैंडेज मेनली इस बैंडेज जब भी जैसे यूज किया जाता है ऐसे ही उसको यूज़ uh, किया जाता है ये मेनली एक पैकेट में आता है कास्ट आर यूजली अप्लाइड बाय ए ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट अंडर द सुपरविजन एंड डिरेक्शन ऑफ ए फिजिशियन तो मेनली कोई भी ट्रेन पर्सन होना चाहिए ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो मेनली प्लास्टर क्लस्ट अप्लाई करेगा ओके okay, नेक्स्ट तो अभी प्लास्टर कस्ट प्लास्टर ऑफ पैरिश एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बैंडेजेस आर इंडिविजुअल रोल ऑफ प्रीकट क्रीनोलिन क्रीनोलिन वेरियस साइज इम प्रेग्नेटेड इम प्रेगनेटेड विथ प्लास्टर तो मेनली प्लास्टर तुम लोगों को याद रखना है प्लास्टर कस्ट में प्लास्टर ऑफ पैरिश रहता है जो मेनली कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है ठीक है द रोल्स ऑफ बैंडेज डिप्ट इन कूल वाटर एंड अप्लाइड स्मूथली टू द बॉडी फर्स्ट जो प्लास्टर पेरिश का जो मटेरियल है वो क्या करना है वो एक रोल में ही रहता है एक रोल टाइप का रहता है तो उसको बैंडेज को क्या करना है वाटर में कूल वाटर में डिप करना है उसके बाद उसको बॉडी में जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसमें स्मूथली अप्लाई करना है क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन ऑफर्स एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब उसको तुम वाटर में दोगे तब एक हीट प्रोडक्शन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से प्लास्टर का जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है देन इट इज एक्सपोज टू एयर फॉर ड्राइंग अप उसके बाद उसको ड्राई uh, करना है एयर का एक्सपोजर में रहेगा तो ड्राई हो जाएगा इट कूज डाउन आफ्टर अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में कूल cool हो जाता है जो हीट प्रोड्यूस हुआ था वो ठंडा हो जाता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में टोटल ड्राइंग ऑफ कास्ट टेकन अप टू ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स मैंने होल कास्ट को ड्राई करने के लिए ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स लगता है दिस डज नॉट गेट येट वेट सॉरी तो इस, इसको um, हम लोग वेट नहीं कर सकते प्लास्टर कार्स आर हैवी ड्राई स्लोली एंड लूज स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी इफ दे बिकम वेट तो um, क्या करना है प्लास्टर कश हैवी होता है ड्राई ड्राई धीरे धीरे होता है इसलिए हम लोग इसको वेट नहीं करेंगे वेट करेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा जिसकी वजह से वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा ऐसे फ्लास्ट फर्स्ट प्लास्टर क्लस अप्लाई किया जाता है ठीक <was> <-arth> है फर्स्ट उस उसके ऊपर कॉटन पैड रहता है उसके ऊपर प्लास्टर क्लस अप्लाई होता है नेक्स्ट इज द फाइबर ग्लास कास्ट दिस इज वाटर एक्टिवेटेड पॉली यूरेथ्रॉन मेटेरियल विच हैव द फार्सिबिलिटी ऑफ प्लास्टर तो ये एक पॉली यूरेथन मैटेरियल है जिसका भी प्लास्टर की तरह इफेक्टिवनेस है इट इज़ लाइटर इन वेट वेट इसका लाइट होता है ड्राई क्विकली स्ट्रोंगर वाटर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबल इसका क्या है वेट जो है वो बहुत कम होता है ड्राई जल्दी हो जाता है स्ट्रोंगर होता है और वाटर रेजिस्टेंस एबिलिटी होता है दे कंसिस्ट ऑफ एन ओपन वेव नॉन एब्सॉर्बेंट फाइब्रिक इम्प्रेगनेटेड with cool water activated hardening hardeners that bond and uh, reach into its full resistance in minutes it decreases skin problem as it has pore to iske wajah se skin problem nahi hoga kyunki isme pore hai if it get yet it must be dried to prevent present skin breakdown to ye वेट uh, हो जाएगा तो इसको पहले ड्राई करना है क्योंकि इसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स दैट बूस्ट सेल्फ एक्सटीम इन यंग एंड एल्डर पेशेंट तो या बहुत सारा कलर का होता है यंग एल्डर पेशेंट को हम लोग सेल्फ एक्सटीम बढ़ाने के लिए बहुत सारा कलर अप्लाई कर सकते हैं फाइबर कस्ट फाइबर ग्लस एंड प्लास्टिक कस्ट दे आर एक्सपेंसिव एंड में मैसरेड अंडरलाइन स्किन तो ये फाइबर ग्लस और प्लास्टिक ग्लस ये नॉर्मल प्लास्टर कस्ट के कश से ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसकी वजह से स्किन में मैसरेशन और नेक्रोसिस हो सकता है तो ये देखो लेयर ऑफ कास्ट क्या क्या होगा फर्स्ट तो प्लास्टर ऑफ फाइबर क्लास्ट ये अप्लाई कर सकते हो उसके बाद अंदर में पैडिंग रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली स्किन में अप्लाई होगा तो स्किन का डैमेज वगैरह इचिंग होगा ब्रेक डाउन होगा बहुत कुछ हो सकता है तो उसके पहले रहेगा पैडिंग मीन्स कॉटन का लेयर रहेगा बैंडेज रहेगा उसके ऊपर फास्ट प्लास्टर ऑफ फाइबर क्लास्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है कोई भी मटेरियल प्लास्टर क्लास्ट भी यूज़ कर सकते हैं फाइबर ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं बट ये थोड़ा लाइट वेट होता है वेट होने से जल्दी ड्राई हो जाता है उसके बाद ये वाटर को रेजिस्ट कर सकता है ठीक है इसमें एक बार वेट हो जाएगा तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है ठीक है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है नेक्स्ट कॉटन एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल आर यूज्ड टू लाइन द इनसाइड ऑफ द कास्ट टू मेक इट सॉफ्ट एंड टू प्रोवाइड पैडिंग अराउंड बॉडी बोनी एरियाज साच एस द रिस्ड एल्बो तो अंदर में क्या बोला था कॉटन और अदर सिंथेटिक मटेरियल से हम लोग पैडिंग कर देंगे जिसके वजह से बोनी एरिया में और अंदर में कास्टर अप्लाई करने से पहले ठीक है अंदर में वो रहेगा तो उसी वजह से न, क्या होगा पैडिंग होने से वहाँ पर कोई भी स्किन का ब्रेक डाउन वगैरह इंचिंग वगैरह ये सब नहीं होगा स्पेशल वाटर प्रूफ कास्ट लाइनर में भी यूज अंडर द अंडर ए फाइबर ग्लास कास्ट अलाउड द चाइल्ड टू गेट द कास्ट वेट तो ये चाइल्ड का चाइल्ड तो नहीं पता है चाइल्ड को कब वेट करना है नहीं करना है तो चाइल्ड के लिए हम लोग फाइबर ग्लस कास्ट के अंदर में एक वाटर प्रूफ लाइन कर सकते कास्ट लाइनर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो वेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कौनसल डॉक्टर फॉर स्पेशल कास्ट केयर इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ कास्ट तो डॉक्टर के पास से इंस्ट्रक्शन लेना है जो कोई भी कास्ट को कैसे आ, स्पेशल केयर करना है वो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के पास से लेना है उसके पास से कॉन्सल्ट करना है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायर्ड फॉर ए गुड कास्ट फर्स्ट फिट्स ऑयल जो पा, प्लास्टर कास्ट है वो ऑयल फिटेड होना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट फिट्स कॉम्फर्टेबल कॉम्फर्टेबली कॉम्फर्टेबल भी होना है वन हो, होल फुली लैमिनेटेड कभी कभी लैमिनेशन कर देते हैं जिसकी वजह से वाटर प्रूफ होता हो जाता है द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द कास्ट मास्ट भी विदाउट रिजेस और क्रीस जब हम लोग आ, प्लास्टर का अप्लाई करेंगे तो हम लोग को अप्लाई करने के टाइम में देखना पड़ेगा कोई भी क्रीसेस रिजेस नहीं होना चाहिए तो वो, वो हम लोग देखेंगे इनर एरिया सर्फेस में कोई क्रीजेस नहीं चाहिए ठीक है इवन एप्लीकेशन एवॉयड दिस प्रॉब्लम ये जब हम लोग अप्लाई करेंगे ये प्रॉब्लम हम लोग को एवॉइड करना है डज नॉट कॉज कॉन्स्टिक्शन ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा टाइट होगा तो क्या हो जाएगा ड्राई होने के बाद वो इतना टाइट हो जाएगा वो क्या करेगा ब्लड सप्लाई हेम्पर कर देगा उसके बाद ना नाप सप्लाई को भी डैमेज कर देगा उसकी वजह से वह भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा सेंसेशन नहीं रहेगा कूल हो जाएगा पालसेशन नहीं मिलेगा ये सब होगा नेक्स्ट शूड बी लाइट इन ओट जो भी प्लस्टर हम लोग अप्लाई करेंगे वो वेट जो है वो लाइट होना पड़ेगा ठीक है दोज आर द प्री रिक्विजेशन फॉर ए गुड कस्ट ओके टाइप्स ऑफ कास्ट बहुत सारा टाइप का, का कास्ट हो सकता है जो बॉडी पार्ट में अफेक्टेड होगा वहाँ पे कितना पार्ट अफेक्टेड हुआ है कितना बोन कितना लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये कास्ट हम लोग अप्लाई करेंगे तो शॉर्ट आर्म कास्ट हो सकता है लॉन्ग आर्म कास्ट हो सकता है आर्म सिलेंडर कास्ट हो सकता है उसके बाद लेग में होगा तो शॉन्ग शॉर्ट लेग कास्ट हो सकता है लेग सिलेंडर कास्ट हो सकता है लॉन्ग लेग कास्ट हो सकता है ठीक है उसके बाद Uh, किसी का शोल्डर में होगा तो शोल्डर स्पाइका कास्ट इसको बोलते हैं हिप में होगा तो हिप स्पाइका कास्ट इसको बोलते हैं यूनीलेटरल हिप स्पाइका कास्ट कस्ट यूनी मीन्स वन साइड में अफेक्टेड हुआ है वन एंड वन हाफ हिप स्पाइका कास्ट एक साइड पूरा और एक साइड का हाफ अफेक्टेड हुआ है तो उसको बोलेंगे वन एंड वन हाफ हिप स्पाइका कास्ट नेक्स्ट बाइलेटरल लॉन्ग लेफ हिप स्पाइका कास्ट तो बायलेटरली फुल अफेक्टेड हुआ है तो इसको बोलेंगे बाइलेटरल लॉन्ग लेफ्ट सॉरी लॉन्ग लेफ नहीं होगा ये लॉन्ग लेक एक बार बाद में तुमको देख ले के, देख के बोलेंगे uh, ये शायद मुझे लग रहा है हिप स्पाइक कास्ट ओके केस ओके तो ये सब है uh, बहुत सारा टाइप का बॉडी जहां पे अफेक्टेड होगा उसके ऊपर डिपेंड करके कास्ट अप्लाई करेंगे तो उसका उसका नाम से कास्ट का नाम होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट हैविंग कास्ट कोई भी पेशेंट का कास्ट है प्लास्टर कास्ट है तो उसका मैनेजमेंट क्या क्या, क्या क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है फर्स्ट टू एसेमेंट पास्ट फर्स्ट एसेज द कास्ट एक्सट्रीमिटी फॉर कलर मूवमेंट डिजिटल फिंगर और टो वार्म सेंसेशन सोयलिंग पास डिजिटल टू कास्ट एंड रिपोर्ट एनी एबनॉर्मेटी फर्स्ट कोई जो भी पेशेंट का जो भी बॉडी पार्ट में और एक्सट्रीमिटी में प्लस्टर का अप्लाई किया हुआ है तो उसका कलर देखना है स्किन का कलर मूवमेंट डिजिटल फिंगर और टो का मूवमेंट वार्म टच करके देखना है कितना वार्म है नहीं है सेंसेशन देखना है सोलिंग देखना है पास पा, पाल्स, पाल्स देखना है और कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगा तो और रिपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट एसिड सर्कुलेशन बाय परफॉर्मिंग द ब्लेंचिंग टेस्ट एंड कंपेयरिंग द स्किन टेम्परेचर एंड ब्लेंचिंग रिएक्शन ऑफ द एफेक्टेड लिम टू दैट ऑफ द अनअफेक्टेड लिम तो फर्स्ट हम लोग सर्कुलेशन टेस्ट करेंगे ब्लेंचिंग टेस्ट करके ब्लेंच करके हम लोग सर्कुलेशन टेस्ट करेंगे तो जो अनएफेक्टेड पार्ट है उसके साथ कंपेयर करके अफेक्टेड पार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो देख के हम लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो नोट करके उसको रिपोर्ट करेंगे एसिस फॉर हॉट स्पॉट एरिया दैट फील्स वार्मर दैन द अदर एरिया एज इट इंडिकेट इन्फेक्शन और नेक्रोसिस तो कोई भी एरिया जो है प्लास्टर का कर सैप्डाइट करने के बाद कोई भी पार्ट बॉडी पार्ट में ज़्यादा वार्म हो गया है तो so, उसको हम लोग बोलेंगे हॉट स्पॉट क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वार्म होने के बजाय क्या हो सकता है वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और स्किन का टिश्यू और स्किन वहाँ पर नेक्रोसिस हो गया है तो so, उसकी वजह से वहाँ पर वार्म हो गया है तो so, हम लोग वो भी चेक करेंगे एसिस द प्रेजेंस ऑफ सेंसेशन इन द एफेक्ट लिम बाई टचिंग एक्सपोस्ड एरिया ऑफ स्किन एंड इंस्ट्रक्टिंग द बेशन टू डिस्क्राइब व्हाट ही फेल्ड तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे ऐसेस करेंगे पेशेंट का कोई भी बॉडी पार्ट में सेंसेशन है नहीं है जहाँ पर फर्स्टर क्लास अप्लाई किया हुआ है जो भी पार्ट एक्सपोज है वहाँ पर हम लोग टच करेंगे पेशेंट को बोलेंगे क्या सेंसेशन हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट फेल कर पाएगा तो ठीक है फेल फिल्ट नहीं कर पाएगा तो हम लोग को पता है पता चलेगा वहाँ पर सेंसेशन डैमेज हो रहा है क्योंकि वहाँ पर नार्व जो है काम नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको भी फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट इज द मोटर एबिलिटी ऑफ द एफेक्टेड लिम बाई द पेशेंट रिंगल हिज फिंगर रिगल्स हिज फिंगर्स और टोस तो उसका फिगर फिगर फिंगर्स और टो ये सब तो ओपन ही रहता है तो so, उसको क्या करना है मूवमेंट करने के लिए बोलना पड़ेगा मूवमेंट कर पाएगा तो हम लोग को पता चलेगा उसका मोटर एबिलिटी ठीक ठाक है एफेक्ट लिम्स में ठीक है तो so, दोस्त आर है असेसमेंट पार्ट और भी बहुत सारा है चेक द एजेस ऑफ द कास्ट एंड ऑल स्किन एरियाज हर द कास्ट एजिस मे कॉज प्रेशर तो जो 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 एजेस है कास्ट का वो भी चेक करेंगे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्किन में रिएक्शन हो सकता है तो वो चेक करेंगे इफ़ देर आर एस एनी साइन ऑफ़ इडिमा सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट नोटिफाई द इंचार्ज ऑफ नर्स और फिजिशियन इमिडियटली तो उसमें कोई उन, एज में कोई ईडिमा है सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट है तो सिस्टर इंचार्ज और फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा Slip your fingers फिंगर्स uh, under the cast edges to detect डिटेक्ट plaster प्लास्टर क्रम्पस और other foreign material तो थोड़ा प्लास्टर क्रस्ट के अंदर में finger घुसा के हम लोग देखेंगे वहाँ पर कोई foreign material वगैरह है नहीं है मूव द स्किन बैक एंड फोल्ड जेंटली टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन तो ब्लेंचिंग uh, करके हम लोग क्या करेंगे उसमें सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करेंगे लीन फॉरवर्ड लीन डाउन एंड स्मेल द कास्ट टू डिटेक्ट ऑर्डर इंडिकेट्स टिश्यू डैमेज ए मास्टी और मोल्डी ऑर्डर एट द सर्फेस ऑफ द कास्ट मे बी द फर्स्ट इंडिकेशन दैट नेक्रोसिस फ्रॉम प्रेशर हैज़ डेवलप्ड अंडर नीथ तो हम लोग क्या झुक के देखेंगे वो कास्ट कास्ट जो है पास्टर कास्ट उसमें कोई भी ऑर्डर बैट स्मेल आ रहा है नहीं आ रहा है तो कोई भी बैड स्मेल होगा तो हम लोग को पता चलेगा वहाँ पर टिश्यू डैमेज हुआ है मास्टी और मोल्ड ऑर्डर होगा तो हम लोग को पता होगा वहाँ पर स्किन का नेक्रोसिस हो गया है ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने से ठीक है चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द कास्ट बाई लुकिंग फॉर क्रैक ब्रेक्स एंड सॉफ्ट स्पॉट्स तो कास्ट uh, का इंटीग्रिटी ठीक है नहीं है हम लोग कैसे पता चलेगा स्किन uh, में क्रैक ब्रेकडाउन स्पॉट्स सॉफ्ट स्पॉट ये सब देख के हम लोग को पता चलेगा वहाँ पे कोई इंटीग्रिटी स्किन uh, का इंटीग्रिटी ठीक है नहीं है स्किन स्किन का इंटीग्रिटी नहीं ठीक रहेगा तो क्रैक होगा ब्रेकडाउन होगा ईचिंग होगा अल्सरेशन होगा टीयरिंग होगा ये सब होगा ठीक है तो असेसमेंट पार्ट तो, में इतना सारा था नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन So first elevate the casted extremity for फर्स्ट 24 फोर टू फोर्टी एट आवर्स एस इड स्टीमुलस सर्कुलेशन तो कास्ट प्लास्टर का अप्लाई करने के बाद फर्स्ट 24 फोर टू फोर्टी एट आवर्स उसका एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करके रखना है जिससे उसका सर्कुलेशन स्टीमुलेट होगा फ्रिक्वेंटली चेंज द पोजिशन इफ हिप स्पाइक का प्रेजेंट किसी का हिप स्पाइक का प्लास्टर कास्ट अप्लाई किया हुआ है तो वो क्या होगा पेशेंट uh, को इमीडिएट फ्रिक्वेंटली थोड़ा वन आवर टू आवर इंटरवल में पोजिशन चेंज करने के लिए बोलना करना पड़ेगा और पेशेंट को एक्सिस्ट करना पड़ेगा और पेशेंट का फैमिली मेम्बर होगा तो पेशेंट फैमिली मेंबर को बोलना पड़ेगा प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स वाइल प्रोवाइडिंग स्प्लिट्स और सपोर्ट द एंकल एट नाइन हंड्रेड ऑफ फ्लेक्शंस तो हम लोगों को पता चलना चाहिए क्या फुट ड्रॉप क्या है मेनली पेरोनियल नर्व एक लेग में हम लोगों का रहता है वो नर्व डैमेज होने की वजह से हम लोगों का जो फूड है ऐसा होता है ना फूड फूड देखो ऐसा होता है तो फूड ड्रॉप होने से ऐसा हो जाता है तो कोई भी पेशेंट चलेगा तो ठीक ठाक प्लेस आ, आर्थ सॉरी मिट्टी में ऐसे करके पैर नहीं कर पाएगा ऐसे नहीं कर पाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है तो बाद में तुम लोगों को पिक्चर दे दूँगी फूड ड्रॉप क्या है और फूड ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फूड को क्या करेंगे कोई सॉफ्ट और हार्ड सरफेस के साथ आ, आ, क्या कर सकते हैं सपोर्ट दे सकते हैं जिसकी वजह से फूड प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग तो ये भी पिक्चर में दे दूंगी तुम लोगों को नेक्स्ट एसेस फॉर पेन इट इज़ रिलीव बाई एलिवेशन ऑफ पार्ट तो पेन हम लोग कैसे एसेस करेंगे एलिवेट करने से पेन रिलीव हो क्या है इफ पेशेंट एक्सपीरियंस पेन ऑनडी बॉडी बोनी प्रोमिनेंस चेक फॉर एनी प्रेशर विच इज़ कॉजिंग पेन तो पेशेंट बोल रहा है बोन में बोनी प्रोमिनंस में पेन हो रहा है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ है इफ पेन ऑकर्स ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन विथ कास्ट एक्सप्लेन द पेशेंट दैट इट विल ऑकार ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वर्ड फॉर एम्बुलेशन पेशेंट बोल रहा है चलने के टाइम में दर्द हो रहा है तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा क्योंकि आप एम्बुलेशन करने के टाइम में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है इसलिए पेन हो रहा है वो एन पेशेंट एकस्टम विथ दिस पेन इट साफ साइड एज ब्लड फो इंक्रीज तो पेशेंट पेशेंट का ये एक्स्टम हो जाएगा पेन जो है चलते चलते ठीक हो जाएगा इसकी उस, वजह से क्या हो जाएगा क्योंकि एम्बुलेशन करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक हो जाएगा उसकी वजह पेन भी रिमूव हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा एसेज द पेन पेशेंट फॉर एडिकुएट न्यूरोस्कुलर फंक्शन पेशेंट का नर्व का फंक्शन ठीक ठाक है भेसल ठीक ठाक है नहीं है वो हम लोग कैसे चेक करेंगे मॉनिटर सर्कुलेशन मोशन सेंसेशन ऑफ एफेक्टेड लिम एंड कंपेयर डिथ नॉर्मल एक्सट्रीमिटी तो नॉर्मल एक्सट्रीमी के साथ कॉम्पेयर करना है सर्कुलेशन मोशन उसके बाद सेंसेशन ठीक ठाक है नहीं है तो ठीक होगा तो न्यूरोस्कुलर फंक्शन ठीक है इनकरेज द पेशेंट टू मूव फिंगर स्टोज आवरली वेल हैव एज इट इम्प्रूव सर्कुलेशन पेशेंट का टो फिंगर जो भी है जो एक्सपोज है उसको क्या करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने के लिए बोलना पड़ेगा जो क्या क्या करेगा जो हम लोगों का सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगा ठीक है मॉनिटर फॉर कॉम्प कॉम्प्लीकेशन कॉम्पार्टमेंट सिंड्रोम प्रेशर एंड डिसयूज सिंड्रोम तो मेनली याद रखना जो हम लोग पड़ा है प्रेशर अल्सर हो सकता है ज़्यादा प्रेशर एक ही पोजीशन में ज़्यादा टाइम में रहने की वजह से प्रेशर अल्सर हो सकता है उसके बाद आ, फैट एम्बुल सिंड्रोम हो सकता है तो वो सब हम लोग मॉनिटर करना पड़ेगा कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इट इज़ द पेशेंट टू टेक ऑयल बैलेंस डाइट दाएट, डाइटरी फाइबर फ्लूड शुड बी इंक्रीज टू प्रीवेंट कॉन्स्टिशन तो पेशेंट को बैलेंस डाइट देना पड़ेगा खाने के लिए डाइटरी फाइबर फ्लूड ज़्यादा देना पड़ेगा जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो सके गैस फॉर्मिंग फूड शुड भी अवॉइडेड इन पेशेंट्स हैविंग हिप स्पाइका किसी का हिप स्पाइका है तो ऐसा फूड हम लोग नहीं देंगे जिससे गैस फॉर्मेशन होगा ठीक है दोसटा नर्सिंग मैनेजमेंट नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन तुम एज ए नर्स पेशेंट का फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को क्या-क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो डू नॉट प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन कास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट कास्ट के अंदर में नहीं घुसाना है डू नॉट वेट द कास्ट एज़ इट मेड अप अ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो कास्ट मेड हुआ है तो उसको नहीं भिगाना है ओके इफ फाइबर ग्लास कास्ट गेट ओल वेट यूज ब्लो ड्रायर टू मेक इट ड्राई तो फाइबर um, ग्लास जो कास्ट um, कोई भी अप्लाई किया हुआ है वो वेट हो गया है तो हम लोग ड्रायर से उसको ड्राई कर देंगे पेशेंट शुड एवॉयड वॉकिंग ऑन वेट और स्लिपरी सर्फेस तो पेशेंट वेट और स्लिपरी सर्फेस में वॉक नहीं करेगा एवॉइड करेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा स्लिप um, करके गिरने का चांस है ऑलरेडी उसका फ्रैक्चर है और भी गिर जाएगा तो और भी फ्रैक्चर होगा और भी जो फ्रैक्चर पार्ट है और भी डैमेज हो जाएगा परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज रेगुलरली उसको एक्सरसाइज सिखाना है रेंज ऑफ मोशन टाइप का वो सब एक्सरसाइज रेगुलरली करने के लिए बोलना पड़ेगा एलिवेट द कास्ट एक्ट्रीमिटी एफ ऑफ हार्ट लेवल टू प्रीवेंट स्वेलिंग जो कास्ट एक्सट्रीमिटी है उसको एलिवेट करके रखना है हार्ट लेवल से ज्यादा ऊँचू में रखना है जिसकी वजह से उसका सोइलिंग प्रीवेंट होगा डू नॉट स्क्रैच द स्किन अंडर द कास्ट एज ब्रेक ऑफ स्किन लीड टू आल्सर फॉर्मेशन तो तुम्हारा कास्ट के नीचे जो स्किन लेयर है उसमें कोई स्क्रैच वगैरह नहीं करना है क्योंकि कोई भी स्क्रैच हो जाएगा उसकी वजह से आल्सर फॉर्मेशन हो सकता है डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक लॉन्ग पिन थिन रॉड्स एंड कोट हैंगर्स कुछ भी आ, कास्ट के अंदर में नहीं घुसाना है पिन वगैरह ये सब कुछ भी नहीं घुसाना है अप्लाई कॉटन ओवर राफ एजेस ऑफ द कास्ट जो राफ एज है जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है स्किन के साथ वो एज तुम क्या कर सकते हो कॉटन अप्लाई कर सकते हो जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा नेक्स्ट डू नॉट कवर द कास्ट विध प्लास्टिक और रबर एज इट डैम्पिंग द कास्ट तो कोई भी प्लास्टिक रबर रबल्स रा, ये सब देख के हम लोग प्लास्ट प्लास्टर कास्ट को रैप नहीं करेंगे जिसकी वजह से डैम्प हो जा सकता है नोट एनी ऑर्डर वॉम स्पॉट स्ट्रेन एरिया ऑन कास्ट तो कोई भी ऑर्डर आ रहा है काश से कोई भी वम एरिया है स्टेन एरिया है कास्ट में और हम लोग नोट करेंगे इफ़ पार्सिस्टेंट पेन सोइलिंग एबनॉर्मल सेंसेशन ब्लू स्किन कलर इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन तो पेशेंट का पार्सिस्टेंटली पेन होता जा रहा है पेन नहीं कम हो रहा है सोलिंग हो रहा है आ, उसके बाद सेंसेशन एबनॉर्मल है ब्लू स्किन कलर हो गया है तो फिजिशियन के पास उसको तुरंत लेकर जाना पड़ेगा इफ़ कास्ट ब्रोक ड्यू टू एनी रीजन इट शुड बी इन्फॉर्म टू फिजिशियन कोई भी रीजन से जो प्लास्टर है ब्रोक हो गया है तो उसको फिजिशियन को उसको इंफॉर्म करना है ठीक है नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट विच इज़ रिमूवल ऑफ कास्ट तो कास्ट इज यूजली रिमूव विथ एन इलेक्ट्रिक कास्ट काटर विद विच हैज स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉप विथ सर्कुलर ब्लेड तो मेनली इलेक्ट्रिक कास्ट कटर बोल के एक मशीन होता है उसमें इलेक्ट्रिक uh, शॉ है उसके साथ सर्कुलर ब्लेड है उससे मेनली कास्ट काट किया जाता है एक्सप्लेन प्रोसीडियोर टू द पेशेंट एंड शो द काटर टू पेशेंट रियश्योर द पेशेंट दैट इट विल नॉट डू एनी हार्म टू अंडरलाइन स्किन पेशेंट शुड बी टोल्ड दैट ही विल फील सेंसेशन ऑफ हीट भाइब्रेशन और प्रेशर तो पेशेंट को uh, कैसे uh, कास्ट को रिमूव करना है कैसे कास्ट को काट करना है वो प्रोसीडियर जो है वो कम्प्लीटली बोलना पड़ेगा उसके बाद रीअश्योर करना पड़ेगा जब जब ये मशीन आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तब आपका कोई भी स्किन में कोई डैमेज नहीं होगा कोई हार्म नहीं होगा आपका कोई पेन नहीं होगा ओनली आपका हीट वाइब्रेशन और प्रेशर फील होगा ठीक है जेंटली शोक एंड वॉश द एरिया अंडर कास्ट एज इट इज मोल्टेड और कवर विद येलो ब्राउन स्केल्स एंड स्केल्स और कास्ट ऑफ डेड स्किन इट रिटर्न टू नॉर्मल अपेयरेंस आफ्टर फ्यू डेज तो जब हम लोग कास्ट रिमूव कर देंगे वो जो एरिया है जितना टाइम इतना टाइम ताँ, से कास्ट किया हुआ था प्लास्टर क्लास अप्लाई किया हुआ था वो एरिया थोड़ा कलर जो है उसका स्किन का कलर येलो हो सकता है ड्राई स्किन हो सकता है तो अच्छे से वॉश करके उसके बाद वॉश करना पड़ेगा और उसका स्किन का कलर नॉर्मल अपेरेंस में फ्यू डेज के अंदर में चला आएगा आफ्टर वॉशिंग ड्राई द स्किन एंड लोशन ऑयल फॉर लुब्रिकेशन एज इट सॉफ्ट इन द स्किन Uh, तो फर्स्ट uh, वो जो वॉश करने के बाद वो एरिया में लोशन और कोई भी लुब्रिकेशन ऑयल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट टीज द पेशेंट टू एवॉयड रबिंग एंड स्क्रैचिंग एट इट कॉजेज इरिटेशन को पेशेंट को बोलना पड़ेगा कोई भी रबिंग स्क्रैचिंग वहाँ पर नहीं करना है जिसकी वजह से वहाँ पर इरीटेशन हो सकता है टीज द पेशेंट दैट स्वेलिंग मे ऑकर आफ्टर रिमूवल ऑफ कास्ट एलिफेट द लिम वॉय लाइंग डाउन और सिटिंग तो पेशेंट uh, को बोलना पड़ेगा प्लास्टर का कास्ट रिमूव करने के बाद में भी वो एरिया में स्वेलिंग हो सकता है तो जब भी बैठेंगे और लाइंग डाउन पोजिशन में रहेंगे उस तब क्या करना है वो जहाँ पे एफेक्टेड हुआ था और जहाँ से प्लास्टर क्लस रिमूव किया हुआ है ओइल लिम होगा तो उसको एलिवेट करके रखना है इनकरेज एम्बुलेशन आफ्टर रिमूवल पेशेंट को जल्दी जल्दी एम्बुलेट करना पड़ेगा मीन्स पेशेंट को जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलना पड़ेगा इनकरेज करने के लिए करना है पेशेंट को प्लास्टर क्ल रिमूव हो जाएगा तो तुरंत चलना है ठीक है सपोर्ट लेके जो भी है चलना पड़ेगा ठीक है जिससे क्या होगा इतना दिन तक नहीं चला था तो एम्बुलेशन जल्दी करेगा तो सर्कुलेशन अच्छा होगा एडवाइज द पेशेंट टू ऑयर क्रेप बैंडेज एंड इलास्टिक स्टॉकिंग्स इफ एडवाइज बाई फिजिशियन तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा पास्टर क्लास रिमूव करने के बाद भी फिजिशियन प्रेसक्राइब एडवाइज किया होगा तो क्रिप बैंडेज और इलेक्ट्रिक टॉकिंग यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से चलने में आसानी होगा तो ऐसे हम लोग पेशेंट का जब प्लास्टर क्लास रिमूव हो जाएगा क्या क्या करना है ये सब हम लोग पेशेंट को बोल देंगे दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज क्लास विच इज़ पास्टर क्लास्ट आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड मेक्स द नोट्स फ्रॉम हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम ओके Thank you for watching.